आज फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की रहमतुल्लाह अलैह की उर्स मुबारक है, वहाँ पे छड़ियों का जो जुलूस है उसमें लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 811वां उर्स शुरू हो चुका है और आज मलंगों का जत्था है वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में पहुँचेगा। संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में कलंदरों का आज जुलूस है, निकल चुका है कि छड़ियों का जुलूस दिल्ली से हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह शुरू होता है, जो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अजमेर पहुँचता है और अजमेर में यहाँ चिल्ली शरीफ पर यहाँ पे 3 बजे जुलूस शान व शौकत के साथ, बाजों के साथ, अलम के साथ निकाला जाता है और हैरत अंगेज कारनामों के साथ ये जुलूस है ख्वाजा साहब की दरगाह पहुँचता है। देखिए और जुलूस है ये हैरत अंगेज कारनामों के साथ मलंग लोग कारनामे दिखाते हुए काफ़ी लंबा सफ़र ये तय करके अजमेर पहुँचते हैं और इसी के साथ ही जो उर्स की जो शुरुआत है वो होती है। कहा जाता है कि जब मलंग हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से निकलते हैं तो लोगों को संदेश देते हुए आते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना है उर्स वो शुरू होने वाला है और अजमेर के लिए नोता देते हुए आते हैं कि चलिए अजमेर हजरत ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो शुरू होने वाला है। यहाँ पर ये हैरत अंगेज़ कारनामों के साथ देखिए माशाल्लाह सालों से ये लगातार अजमेर आ रहे हैं। यहाँ पर छड़ियों का जुलूस लगातार दरगाह की ओर बढ़ रहा है। काफ़ी लंबा जुलूस है, दिल्ली गेट से लेकर ट्रेड गंज तक ये जुलूस है और इसमें बीच बीच में जो मलंग लोग हैं वो हैरत अंगेज़ कारनामों के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरह जिमाम के आर पार इन्होंने सरिया बाहर निकाला हुआ है और दूसरी एक भारत का झंडा ये साथ लेके चलते हैं ताकि भारतवासी कोई संदेश देते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स है वो शुरू हो चुका है। हिंदलवली हिंदुस्तान
में हैं, भारत का संदेश देते हैं कि हमारा पक्षी माशाल्लाह कितना लंबा है, जुलूस यहाँ से देखने को मिल रहा है, काफ़ी तादाद में है जो मलंग होते हैं, करीबन 500 के आसपास ही मलंगों का जत्था है ये दिल्ली से रवाना होता है और जगह जगह उनका स्वागत भी होता है। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद ये अजमेर के चिल्ली शरीफ पे रुकते हैं, जहाँ पर शाम मगरिब के पहले पहले ये है हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह पहुँचते हैं और वहाँ पर है ये अपनी जो छड़ियाँ हैं, ये झंडे हैं, निशान हैं जो पेश करते हैं और लोगों को संदेश देते हैं अजमेर आने का। ये सबके लिए दुआएं भी करते हैं और माशाल्लाह इनकी जो दुआएं हैं वो कभी खाली नहीं जाती मलंगों की। चादर भी पेश होगी और ये रस्म जो है हजरत सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में अपने पीर की याद में परचम लेकर अजमेर शरीफ आए थे, वही रस्म को ये मलंग लोग हम लोग निभा रहे हैं और दुआ ख्वाजा में ये करने आए कि भारत में कौमी एकता बनी रहे और सबकी जिस जिसने तो ख्वाजा के दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जिस जिसने भी दुआ करने को कहा है ख्वाजा उन सबकी मुरादों को कबूल अता फरमावे और दुआओं को कबूल अता फरमावे। गरीब नवाज के करम से मुझे 32 साल हो गए छड़ी में आते हुए, जब तक मेरी जिंदगी सलामत है दम में दम रहेगा हुजूर गरीब नमाज में आते रहेंगे और दुआएं सबके लिए दुआएं खैर करने के लिए आज जितने भी मस्त मलंग छड़ी वाले आए हैं 60 से 65 जमाते हैं जो आई हुई हैं, कुछ कलियर शरीफ बाबा गरीब शाह सावरी के यहाँ से आई हैं, पानीपत से आई हैं, हल्द्वानी से, अलीगढ़ से और हमारी जमात है पूना जमात साबरी काफला, पूना जमात साबरी काफला। मेरा नाम हाजी मिट्टी अली शाह मलंग, मलंग मदारी। कितने मलंग और कलंदर यहाँ शामिल हुए? कम से कम 3,000 लोग हैं, सब इसमें मुरादमंद भी हैं, नियाजमंद भी हैं। कोई किसी ने मुराद मांगी कि ख्वाजा मेरी हाजत पूरी हो जाए, हम हाजिरी देने आएंगे, दुआएं करने के लिए आएंगे और वो मुरादे मन्नतें उतारने वाले भी आए हुए हैं। और हम मलंग लोग तो जितने भी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई हैं सबके लिए दुआ करने के लिए ख्वाजा में आए हैं कि भारत के अंदर कौमी एकता बनी रहे और इखलास मोहब्बत बनी रहे। वीरों और मलंगों की यही दुआ है, यही हाजत है ख्वाजा से। हुजूर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की बारगाह में 811वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है और ये जो पैदल आते हैं ये सभी मलंग लोग छड़ियां लेकर के देश के विभिन्न हिस्सों से कलियर और कलियर रुड़की में वहाँ से पानीपत, पानीपत से दिल्ली, दिल्ली मेहरौली में इकट्ठे होके वहाँ से एक जलसे के रूप में ये पैदल छड़ियां लेकर के अजमेर शरीफ के लिए रवाना होते हैं। और आज चांद रात है, चांद रात के दिन अजमेर में खलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, वहीं पे गरीब नवाज का भी चिल्ला है, वहाँ पे ये लोग कायम करके वहाँ से सब लोग साथ में जलसे के रूप में गंज, दिल्ली गेट, दरगाह बाजार होते हुए मेन गेट पहुँचते हैं। और ये कदीमी रस्म है जो कई सालों से चली आ रही है और इसमें इस बार तकरीबन 3,500 लोग पैदल आए हैं, जिसमें उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और अपने ग्राम से और भी देश के भी।